हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी लेसन में से कि लास्ट क्लास है, ठीक है। आज लास्ट क्लास स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, क्लास नंबर 10 है एलसीएम एंड एचसीएफ की। आपकी 9 क्लास पूरी हो चुकी है, काफ़ी मैटर मैंने करवा दिया है। मेरी तरफ से क्लास फिनिश हो रही है, आपकी तरफ से क्लास फिनिश नहीं होगी। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने दिए वो तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ही, उसके अलावा भी आपको जहाँ से मिले वो सारे क्वेश्चन आपको एक बार करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं ये आप जरूर उठा लेना, ठीक है। जैसे मैंने इकट्ठे किए, मैंने एसएससी वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, लेकिन आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आई है ढूंढने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। पुराने पेपर उठाइए, उनमें देखिए आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो अटैम्प्ट हो जाता है बहुत खुशी की बात है, जो नहीं हो पाता उसे सीखने की कोशिश कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इस तरह से आप करते रहना। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली अभी, आप पीडीएफ जरूर ले लेना और पूरे क्वेश्चन कोशिश करना अटैम्प्ट करने की। और व्हाट्सअप नंबर हमारा 7877077779, जिस पर आपको पीडीएफ मिलेगी, या फिर आप टेलीग्राम से ले सकते हो, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को कमलेश यादव मैं सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि आपकी नई क्लास स्टार्ट की जाएगी औसत और आयु की, लेकिन आपको मैं बता दूं औसत और आयु की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। आपकी 2 दिन मैथ की क्लास नहीं होगी और 2 दिन बाद में भी आपका टॉपिक अभी औसत आयु नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने जो न्यू कंटेंट बनाया है उसमें पूरा काम नहीं कर पाया हूं, अभी काफ़ी काम पेंडिंग में है, ठीक है। तो मैं लगातार वर्क कर रहा हूं और सभी टॉपिक आपके अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो 2 दिन आपका गैप रहेगा, उसमें आप रेशियो और एलसीएम एचसीएफ के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेना, आप वापस से कर लेना सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 2 दिन का गैप मिल जाएगा आप लोगों को। फिर 2 दिन बाद में आपको औसत आयु के बजाय मैं अभी स्टार्ट करूंगा प्रतिशत, फिर स्टार्ट करूंगा लाभ हानि, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक। इसके बाद में बट्टा डिस्काउंट वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करूंगा। इसके बाद में स्टार्ट करूंगा एलिगेशन मिश्रण वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपके होने वाले हैं। और बता दूं, इन 6 टॉपिक में से कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर, एसएससी जैसे एग्जाम में तो 25 में से 8-10 क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाते हैं बहुत बार, है ना। इसलिए ये टॉपिक अब जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग पूरी अंगणित इन्हीं में भरी पड़ी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से आपकी चलेंगी। जो लोग पहले प्रतिशत वगैरह देख चुके हैं उन लोगों को भी मैं आपको बता दूं, यदि अब आप इन क्लास को लोगे जो अब चलेंगी, तो आपको बहुत सारा मैटर अलग मिलेगा। पुराना है वो तो है ही, उससे अलग चीज़ें मिलेंगी आपको जो अब हमारी नई क्लासेज चलेंगी। देखिए, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि उसका कोई उसने कोई टेस्ट दिया था और टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन थे, 50 में से उसने अटेम्प्ट किया है 41 प्रतिशत का टेस्ट था, 50 में से 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हमारी वीडियो से। और कौन से वीडियो से, जो पुराने वीडियो थे जिनके अंदर कम मैटर था, लेकिन अब हम और भी अच्छा मैटर आपको देने वाले हैं। प्रैक्टिस करोगे तो 50 के 50 क्वेश्चन भी होंगे। आप मैसेज देख सकते हो, पर्सनल मैसेज भेजा गया मेरे को, हमारी वीडियो देख के टेस्ट देने के बाद में जो खुशी हुई है उसकी वजह से उसने मैसेज किया है, एक स्टूडेंट ने, तो आप देख सकते हो मैसेज आपको नजर आ रहा होगा। तो आप 50 में 41 नहीं, 50 में 50 भी करोगे, लेकिन जो अगर आप नया कंटेंट हम बना के और फिर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यदि आप देखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहली बात तो देखो, ये एक चीज़ है, 50 है, 50 के 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, तो स्पीड तो धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कोई स्पीड बढ़ा नहीं सकता है जब तक अपन खुद न चाहें ना, तब तक कोई भी तरीका अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता है। अपन खुद चाहेंगे अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड की टेंशन तो बाद की रहती है, बस एक बार आने लग जाए हमारे को, ठीक है। तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे यदि आप लगातार खूब सारे क्वेश्चन करोगे जो मैं बता रहा हूँ वो, और इनके अलावा भी यदि आप अदर क्वेश्चन ढूंढते हो, टेस्ट वगैरह देते रहते हो, तो उनसे आपको और प्रॉफिट मिलता रहेगा। जो भी क्वेश्चन आए उनका भी सोल्यूशन किया जाएगा। बहुत जल्दी मैं टेस्ट वगैरह स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उन्हीं के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर शामिल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी तो मैं टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का, और आपकी 2 दिन बाद आपके प्रतिशत की क्लास स्टार्ट होगी। आप तैयार रहना, प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे जो अब से पहले जितने वीडियो मिले थे उन सब वीडियो से डिफरेंट मैटर आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया अभी, लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल देती है। 19, 35, 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल देती है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्वेश्चन नजर आ गया आप सभी को, और देखिए आज अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चन जो भी डिफरेंट क्वेश्चन उनको अच्छी तरह से समझ लेना, नोट कर लेना। यहां पर बोल रहा है 19, बोला 35 और 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे, मतलब सभी में शेषफल क्या आएगा, समान। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है,
एक चीज आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी शब्द आता है तो आप क्या निकालते हो, मैं से निकालते हो, छोटी से छोटी में क्या निकालते हो, लेस है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए मैं से तो निकलेगा, लेकिन क्या बोला, समान शेषफल आना चाहिए। ठीक है, अब समान शेषफल आना चाहिए, यदि ऐसे बोल देना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और समान शेषफल पूछे सबके अंदर, तो आप एक काम करना, इनका अंतर करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इनका अंतर करते हैं, 19 और 35 के अंदर अंतर देख लीजिए आप, 19 और 35 में हो गया 16 का अंतर। ठीक है, फिर आप करिए 35 और 59 का अंतर करिए, 35 और 59 का अंतर देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 60 तक ले लेते हैं पहले, है ना, ये घटाने का थोड़ा बेहतर तरीका हो जाएगा, 60 तक लेके और फिर आगे बाद में कम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20 25 मतलब 24 आ गया। ठीक है भाई, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और अभी एक संख्या और बच रही जिसमें से घटाना बाकी रह गया, इन दोनों घटा लिया, बड़ी में छोटी घटा देना, इनको घटा लिया, और अब किस में बचा, इन दोनों का और बचा, तो हम यहाँ पर अब 59 में से कितना घटाएंगे, 19 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, ये 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 16 24 और 40 वापस देख लेना एक बार आप, ठीक है, वापस देख लेना क्या करना है, 19 35 और 59 है, इनमें किस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देके समान शेषफल आए, और समान शेषफल बोले तो इस तरह से आप घटाना, 2 3, ऐसे तीन संख्या प्राप्त होगी। और अब आपको मैं से इनका नहीं बताना, 19 35 और 59 का मैं से नहीं बताना, आपको मैं से बताना है 16 24 और 40 का। 16 और 24 और 40 का मैं से निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, टाइप फर्स्ट के अंदर छोटी संख्या ले लो 16, क्या 16 का भाग समय जा रहा है, नहीं जा रहा, 16 में किसका भाग जाता है, इससे कम संख्या में, 16 से कम संख्या होनी चाहिए और जिसमें 16 जिसका भाग 16 में चला जाए, तो कौन सी है, न तो 15 है, न 14 है, 13 12 11 10 9 8 का जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो 8 क्या हो गया, मैसे हो गया। अब आपको काम की चीज़ बताता हूँ, 8 का भाग दे के देख लीजिए, समय शेषफल सेम बचेगा, 8 दूनी 16 3 बच गया, 8 चौक 32 3 बच गया, या परिवार भाग देख लीजिए, 7 बार जाएगा 56 3 बच गया, समय समान शेषफल बच गया। ठीक है, तो इस तरह का जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नजर आ जाए, आप इस तरह से एक दूसरे में घटा के और फिर जो घटाने पर बचे उसका मैसेज निकालना है, इस तरह आपका आंसर आएगा। ठीक है, वापस से देख सकते हो आप एक बार दोबारा से, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले तो लिखा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखा है तो आपके माइंड में आ गया कि इसमें मैं से ही निकलेगा। ठीक है, मैं से निकलेगा किस किस का, 19 35 और 59 का नहीं निकलेगा, क्योंकि आगे क्या बोला है, एक समान शेषफल बचना चाहिए, समान शेषफल बचना चाहिए, तो अब 19 35 59 को आप आपस में घटाओगे और तीनों संख्याओं को आपस में घटाने के बाद में आपके पास तीन संख्या प्राप्त हो गई है, 16 24 और 40, और इनका लेस, इनका मैसे, सॉरी मैसे कितना आ गया, 8, और 8 का भाग देके देख लो, सब में समान शेषफल 3 बच रहा है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में आए हुए इस तरह के। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवा दिया था, एक बार वापस ले रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन, और ध्यान देना टॉपिक पूरा होने के बाद ही मैंने बोला है कि आपका जो टेस्ट चलेगा उसमें वापस से सारे क्वेश्चन दोबारा ले लिए जाएंगे, ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा से सब चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, बस आपका माइंड जितना काम करता, आपको जितना आ सकता है उतनी कोशिश करिए आप, तो जो नहीं आता है उसकी टेंशन छोड़िए। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किए जाने पर हर बार शेषफल कितना आता है, 3, तो आपको मैं बता दूं इसमें एक तो क्या बोला, 13 का गुणज होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है, 4 5 6 7 ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, देख लेना, 13 का गुणज, 13 का गुणज मतलब 13 का भाग जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 13 का गुणज मतलब 13 का भाग जाना चाहिए, और जिसमें 13 का भाग जाएगा उसमें 4 5 6 7 से भाग दे, क्वेश्चन देखते रहिए आप, 13 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, मतलब एक ऐसी छोटी संख्या जिसमें 13 का पूरा भाग चला जाए, और शर्त क्या है, उस संख्या में 4 5 6 7 का भाग दे तो हमें हर बार शेषफल 3 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर शेषफल 3 का तो नहीं पता, लेकिन शेषफल 0 का जरूर पता है, पूरा पूरा भाग जाता है लेस में, किस किस का लेस निकालोगे, 4 5 6 7 का, वही तरीका, 2 2 4 5 आ गया, द्वितीय में 6 7 आ गया, फिर आगे 2 1 2 हो गया, आगे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 3 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 1 5 हो गया, और आगे क्या हो गया, 7 हो गया, 7 1 7 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 5 3 15 15 2 30 30 2 60 60 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 420,
420 में पूरा पूरा भाग जाता है, किस किस का, 4, 5, 6, 7 का। लेकिन शर्त क्या बोला, 3 शेष बचना चाहिए, 3 जोड़ दो 423 हो गया। और शुरुआत में शर्त क्या थी, 13 का भाग जाना चाहिए, क्या 13 का भाग इसमें जा रहा है, देखे देख लो, 13 3 39, ठीक है, आगे कितना बच गया 39 के बाद में आपको दिख रहा है, 3 बच गया, नहीं जा रहा, 33 में 13 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये संख्या तो नहीं आएगी। याद करिए लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, इसमें वापस एलसीएम को जोड़ दीजिए, 840 हो गया, 840 में तो इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें शेषफल कितना चाहिए, 3 3 जोड़ दीजिए, 843 हो गया, ऑप्शन में अभी नहीं आया, ठीक है। और एक चीज देखिए ना, मैंने क्या बताया था, ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं, 843, ठीक है, ऑप्शन में तो दूर दूर तक पता नहीं लग रहा 843 भी है, तो आप एक काम कर लो, यहां पर 840 है ना, पहले इसे आप ऑप्शन देखिए, 3000 3000 2000 3000 के लगभग है, तो पहले 2000 सबसे छोटा ऑप्शन है, तो पहले तो 840 को आप 2000 के पास पहुंचा दो, तो 840 देखो, 420 क्या था एलसीएम, 840 आ गया, 840 में 840 जोड़ लो, 0 4 4 8 8 8 1680 आ गया, ठीक है। आपको 2000 के पास पहुंचना था क्योंकि सबसे छोटा ऑप्शन 2000 है, फिर 420 को और जोड़ दो, एलसीएम है ना तो एलसीएम ही जुड़ेगा, 0 8 2 10 6 4 10 1 11 और 1 ही आ गया, 2100 आ गया, ठीक है, 2100 आया यहाँ पर। लेकिन 2000 पिछहत्तर आपके ऑप्शन में था ना, ये तो फेल हो गया, 2000 पिछहत्तर तो आया ही नहीं, ये तो पहले कम पड़ गया 420 जोड़ते ही, 2100 है तो अब 3000 के पास पहुँचो, देखो 3700 है, पहुँचा दो, 2100 में और जोड़ते रहो। अब यदि 420 बार बार नहीं जोड़ना चाहते हो, 840 जोड़ लो आप, ठीक है, 840 जोड़ लेते हैं एक बार, देखो 0 4 9 2 अभी भी कम पड़ रहा है, 3700 तक जाना है, एक बार 840 और जोड़ लो, 0 8 और यहाँ पर 7 और 3, ठीक है, कितना आ गया 3780 आया, ठीक है, 3700 के पास तो पहुँचना था ही, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि शेषफल कितना चाहिए था, 3 शेषफल चाहिए था, तो अब कितना हो गया 3783। लेकिन अब इसमें देखो 3783 आ तो गया, बाकी 3743 नहीं आया था, 3773 नहीं आया था, वैसे डायरेक्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। लेकिन फिर भी यदि ऑप्शन बिल्कुल पास पास के हो ना, तो आप एक बार कंफर्म जरूर करते रहना, यहाँ पर 420 जोड़ के और 13 का भाग देके और कंफर्म करते रहना। अब इसमें 13 का भाग दे लीजिए, 13 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहली चीज़ तो वो है कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पूरा पूरा भाग किस में जाता है, लैसे में जाता है, तो इनका हम क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे। लैसे निकालना आपको आता है, लैसे कितना आया 420, शेषफल कितना चाहिए आपको क्वेश्चन के अनुसार, 3 चाहिए, 423 हो जाएगा और इसमें 13 का भाग जाना चाहिए। लेकिन 420 के पास पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे भी करके 420 को पहले तो जो ऑप्शन दे रखा है उनके पास में पहुँचा दीजिए, ठीक है। इनके पास में पहुँचाएंगे हम, तो यहाँ पर 420 को या तो गुणा कर लीजिए किसी से, या फिर 420 में 420 जोड़ते रहिए, या 420 बार बार न जोड़ो, तो देखो कितना हो गया 4 840 हो गया, तो 840 में 840 जोड़ दो, ठीक है। देखो 840 में 840 जोड़ोगे कितना हो गया 1680, अब 1680 ऑप्शन में नहीं आ रहा, 3 जोड़ोगे 1683 हो जाएगा, ऑप्शन में आया ही नहीं, फिर दोबारा जोड़ दो 420 जोड़ लो, 420 जोड़ोगे तो देखो ये 2100 आ गया था, 2100 ऑप्शन में 2000 से तो ऊपर चला गया, तो ये तो ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, 2100 से ऊपर और जाना है, 3700 तक जाना है, तो 840 जोड़ लो, 840 डायरेक्ट वरना 420 जोड़ते हुए आगे बढ़ो, ये 840 जोड़ लीजिए, 0 4 9 2, ठीक है, ये हो गया। फिर और आगे चलो 840 और जोड़ दो, 0 8 7 3 3780 हो गया, और 3 शेषफल चाहिए, 3 शेषफल करते ही 3783 आपका आंसर आ गया, बस इस तरह से कर सकते हो, उम्मीद आप तो समझ में आ गया होगा। एक चीज देखिए, जो अब लास्ट क्लासेज चल रही है उनके अंदर आपको ये चीज पता लग रही होगी कि पुरानी क्लासेज तो हर जगह पर काम में आ रही है। आप और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो मेरे यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए, फिर आपका लेवल धीरे धीरे और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का लेवल एक दिन में पूरा क्लियर नहीं होता किसी का भी, आपको बस लगातार क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे जो भी आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 390 495 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो, 390 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को, देख लीजिए क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, तो है ना 390 495 और 300, ठीक है, ये तीनों संख्या है, इन तीनों में पूरा पूरा भाग दे किस बड़ी संख्या का कि कोई शेषफल न छोड़े, तो सबसे बड़ी से बड़ी लिखा जाए तो आपको पता है मैसे निकलता है,
और आपको ये बताना है कि इन सब में किसका भाग देके शेषफल जीरो बचे। तो आपको पता है मैसे की डेफिनेशन मैंने बताया था, लैसे में तो देते हैं और मैसे का देते हैं, लैसे में देते हैं मैसे का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैसे का भाग देंगे तो मैसे का पूरा पूरा भाग इन तीनों में जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इनका मैसे होता है, तो बस आप मैसे निकाल लीजिए। मैसे निकालना आप लोगों को आता है, मैं यहाँ पर इसका मैसे बता देता हूँ आपके इस क्वेश्चन में। इसका मैसे आ जाएगा, मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, 15 आ जाएगा ना इसका मैसे 15, ठीक है। निकालने का तरीका आपको बताया था, अलग अलग कर लेना, टुकड़े कर लेना, या फिर मैंने ट्रिक बताई थी आपको, सबसे छोटी संख्या ले लेना, 300 है, 300 के बाद सभी में नहीं जा रहा, फिर 300 में किसका भाग जाता है, 150 का जाता है, 150 का भाग सभी में नहीं जा रहा, फिर 150 के अंदर भाग देके देख लो 75 का जाता है, 75 का भाग सभी में नहीं जा रहा, फिर 75 में भाग देके देखो 25 का जाता है, ठीक है, 25 का भाग सभी में नहीं जा रहा, फिर 25 आया तो 25 से कम देख लो, 25 से कम कौन सा आया जिसका भाग इसमें जाता हो, 25 से कम फिर आ जाएगा, जैसे मान लो 300 में भाग जा रहा है 25 से 20 का, 20 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 20 से कम कर लो 15, यहाँ पर 15 का भाग सभी में जा रहा है, कैसे, 15 दूनी 30, कितना बच गया 9 बच गया, और 15 छिकी 90, यहाँ पर देखो 15 ती 45 और फिर कितना बच गया 4 और 15 ती 45, 15 दूनी 30, ठीक है, ऐसे भाग जा रहा है 15 का, तो ये 15 क्या हो जाएगा आपका मैसा हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, है ना, आपको तभी याद होगा, मैं बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहूंगा पुराने भी, तभी आपको याद होना शुरू होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद करिए ऐसा क्वेश्चन कहां पर आया था, और यदि आपको तरीका याद है तो जल्दी से उत्तर बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना। 43 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल रहे, वह बड़ी संख्या कौन सी है, सभी लोग करिए जल्दी से। ओके, कर लिया होगा सभी ने, मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले करवाया था और शायद पहला क्वेश्चन इसी तरह का था, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और समान दशा में शेषफल, प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। तो उस कंडीशन मैंने क्या बताया था, 43 बड़ी से बड़ी पूछा है तो मैसे तो निकलेगा ही, ठीक है, लेकिन मैसे इनका नहीं निकलेगा क्योंकि समान शेषफल बचे ये बोल रहा है, समान शेषफल बचे तो अब घटाने स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, इसमें से इसे घटा लीजिए, बड़ी में से घटाना है सॉरी छोटी को, फिर इसमें से इसे घटा लीजिए, फिर इसमें से इसे घटा लीजिए, ऐसे तीन संख्या प्राप्त हो जाएंगी और उनका मैसेज बताना था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने किया था, तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा आपको। 43 में से आप 91 को घटाओगे तो ये हो गया 40, 41, 41 और 48, 48 तो ये हो गया, घटा के देख लेना, फिर इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है, इसमें से घटाएंगे, 83 तो ऊपर का ऊपर हो ही गया, और 9 और जोड़ दो, 83 7 हो गया 90 और 90 2 92, तो ये हो गया 92, ठीक है, इसमें से इसे घटा लेना तो 92 आ जाएगा आपके पास। अब 183 में से कितना घटाना है, 43 घटाना है तो 0 हो जाएगा, 140, ठीक है, ये तीन संख्या आ गई, और इनका हमें क्या बताना है, अब मैसे बताना है, और मैसे बताने का तरीका आप सभी को पता है, भाग देखे देख लो, देखे सब में जा रहा है या नहीं जा रहा, 48 का भाग सभी में नहीं जा रहा, तो 48 में किसका भाग जाता है, 24 का जाता है, 24 का भाग इसमें जा रहा है, ठीक है, 24 का भाग लेकिन देखो देखो इसमें नहीं जा रहा, ठीक है, और इसमें भी नहीं जा रहा, यहाँ पर 2496 होता है, यहाँ पर 92 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 24 का नहीं जा रहा तो और नीचे आ जाओ, अब 24 में किसका भाग जाता है, या फिर 48 में किसका भाग जाता है 24 के बाद में, वो देख लो किसका जाता है, 16 का जाता है, ठीक है, अब 16 का जाता है नहीं जा रहा, 16 से नीचे आ जाओ जिसका भाग 48 में आए, 16 से नीचे 12 का जा रहा है, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 12 से नीचे आ जाओ 8 आ गया, 8 की 48 और इसमें नहीं जा रहा, इससे भी नीचे आ जाइए आप 4 का, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सब में 4 का भाग चला गया, तो आपका मैसे कितना हो जाएगा,
इसका चार हो जाएगा। अब चार का भाग दे के देख लीजिए आप सब में, अब चार का भाग दे के देखोगे तो पता लगेगा सब में शेषफल सेम बचेगा, सब में शेषफल तीन ही आ रहा है, आप भाग दे के देख सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए यहाँ पर हो गया चार दुनी आठ, एक बच गया, चार दुनी आठ तीन शेषफल सेम बचेगा, यहाँ पर देखो चार चौक सोलह हो गया, दो बच गया, चार पंजे बीस तीन शेष बच गया, यहाँ पर चालीस में जाएगा तीन ऊपर बच गया तीन शेष बच गया, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन ऐसा बता चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, छह घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः दो चार छह आठ दस और बारह के सेकंड के अंतराल में बजे तो तीस मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। छह घंटियां एक साथ बजना आरंभ हो चुकी है, बज गई, इसके बाद में अभी दो चार छह आठ दस बारह सेकंड के अंतराल में बजे तो तीस मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन दिख गया होगा, मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आज सारे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह समझते रहना, और यदि एक बार में न समझ में आए तो आप स्टार्टिंग के टाइप, दो दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को दोबारा प्रैक्टिस करने का, टाइम वेस्ट मत करना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, बस टाइप वाइज टाइप सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर इन क्वेश्चन को करने दोबारा बैठ जाना, फिर कहीं पर कोई दिक्कत आई तो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद में फिर वापस सोल्व करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दो दिन के अंदर इन चीज़ों को रिपीट करने का टाइम आपको मिलेगा, और मैं अपना जो कंटेंट है उसे और भी अच्छा बना लूँगा और फिर आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा प्रतिशत से। ठीक है, देखिए छह घंटियां है एक साथ बजना आरंभ हो गई, और ये बजती है दो चार छ आठ दस और बारह सेकंड के अंतराल पर, तो तीस मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब मैंने बोला कि यदि पुनरावृत्ति होती है वापस एक साथ कब बजेंगी, पुनरावृत्ति होती है तो क्या निकलता है, लहसन, लहसन निकालना आप सभी को आता होगा, शायद इसका लहसा आ जाएगा 120 आ जाएगा, कन्फर्म कर लेते एक बार, या तो बड़ी संख्या वाला तरीका है ही आपके पास, 12 है 24 48 ऐसे चलते रहना, या फिर देखो इतना ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगता है आप ऐसे भी करो तो भी 120 ही आएगा वैसे, लेकिन फिर भी देख लेना आप, इस तरह से कर सकते हो आप, पाँच तीन फिर दो का भाग दे दो तीन, एक पाँच तीन फिर तीन का दे दो, फिर पाँच आ गया, और पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह दून तीस दून साठ दून 120। ठीक है, एलसीएम कितना आया 120 सेकेंड, ये सेकेंड आ रहा है, 120 सेकेंड मतलब कितनी मिनट, दो मिनट, दो मिनट में एक साथ बजती है, काम की बात आने वाली, ध्यान दे लेना, दो मिनट में कितनी बार बजती है, एक बार, सुन लेना सभी, दो मिनट में कितनी बार, एक बार, दो मिनट में एक बार, तो एक मिनट में देखो ऐसे लिख लिया, दो मिनट में एक बार, तो एक मिनट में एक बटा, और ये दो है ना यहां पर, तो ये दो बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार, आधी बार, एक मिनट में आधी बार बजती है, दो मिनट में एक बार बजती थी, फिर दो को बटा में भेज दिया, तो यहां पर गुणा में क्या बच गया, एक मिनट, तो एक मिनट में कितनी बार बजी, एक बटा दो बार, आधी बार बज गई। ठीक है, तो यहां पर पूछा तीस मिनट में कितनी बार, तीस मिनट में कितनी बार, तो आप क्या करोगे, एक बटा दो गुणा, और जितना पूछे ना उससे गुणा कर देना। ठीक है, तो कितनी बार आया, पंद्रह बार। ठीक है, कितनी बार आया, पंद्रह बार, या फिर आप डायरेक्ट याद रख लेना, दो मिनट में कितनी बार बजती है, एक बार। ठीक है, तो आपको कितनी मिनट का पूछा है, 30 मिनट का, तो 30 मिनट में बस दो का भाग दे दीजिए, कितनी बार आया, 15 बार, लेकिन ध्यान देना ऑप्शन में आपका उत्तर 15 गलत हो जाएगा यदि आप 15 टिक करोगे तो सही कौन सा होगा वो देखना। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, छह घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, देखो टाइम मैंने स्टार्ट किया, छह घंटियां है, ठीक है, छह घंटियां है, और मैंने बोला हाँ अब एक साथ बजा दीजिए, अब जैसे ही छह घंटे एक साथ बजी तो शुरुआत के टाइम में, शुरुआत में जब एक साथ बजती है तो कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, स्विच ऑन करते ही पूरी छह की छह बज गई, तो शुरुआत में दो मिनट का टाइम थोड़ी लगा, दो मिनट का टाइम कब लगेगा, जब दूसरी बार बजेंगी तब दो मिनट होने के बाद बजेंगी दूसरी बार। ठीक है, तो पहली बार में कोई टाइम नहीं लगा था, तो वो एक बार और जुड़ता है, तो टोटल आपका आंसर क्या आया, 16 बार। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 16 बार, क्योंकि शुरुआत में लाइन लिखी हुई थी एक साथ बजना आरंभ होती है उसके बाद में फिर दोबारा बजती रहती है, तो फिर दो दो मिनट का अंतराल होगा, तो पहले अंतराल के अंदर फर्स्ट बार जो बजती है उसमें एक तो शुरुआत में बज गई, एक उसके बाद में दो मिनट बाद बज गई, मतलब दो मिनट में शुरुआत में कितनी बार बजी, दो बार बज गई थी, तो जो पहली बार स्टार्ट होती है ना उससे हम एक और ऐड करेंगे यहाँ पर, इसलिए उत्तर आएगा 16 बार, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाता है एग्जाम में बहुत बार, क्योंकि 15 भी ऑप्शन में आएगा 16 भी आएगा, 16 किसी के माइंड में नहीं आता तुरंत, यदि हमारी प्रैक्टिस कम है तो हम 15 बार को टिक करते हैं, लेकिन पहली लाइन को फड़के और आपको 16 बार करना है, एक बार और जोड़ना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ,
फिर आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंट आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती है, 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 36 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? 36 मिनटों बताना है, जल्दी बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आंसर। ओके, तो आप सभी ने सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, 3, 6, 9 और 12 और 15 इनका पहले तो आपने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया होगा। ठीक है, देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 आ गया, द्वितीया में 6, 9 आ गया, पीछे की 12 और 15 आ गया, फिर 2 यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो और दे लीजिए या 3 का दे लीजिए, ठीक है आपकी मर्जी। तो 3, 3, 9, 3, 15 और अब 3 का दे दीजिए, 1, 1, 3, 1, 5 और फिर 3 और फिर 5 एकम 5। अब देखिए 5 3 15, 15 3 45 2 90 और 90 2 180, 180 आ गया। 180 क्या आया है, सेकेंड। 180 सेकंड को मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि आपको 36 मिनट में कितनी बार बजेगी ये पूछ रहा है। मिनट में बदलोगे किसका भाग लगेगा, 60 का। कितनी मिनट आ गई, 3 मिनट आ गई। ठीक है, 3 मिनट में कितनी बार बजती है, 1 बार, तो 3 मिनट, 36 मिनट का पूछ रहा है आपको, तो 36 मिनट में किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितनी बार बजी, 12 बार। लेकिन क्या 12 आपका आंसर सही होगा, गलत होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन पड़ी है, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर। जब स्टार्टिंग में जब एक साथ पूरी 5 घंटियां बजेंगे तो शुरुआत में कोई टाइम नहीं लगता है, फिर जब 3 मिनट हो जाएंगे उसके बाद में फिर दूसरी 1 बार और बजती है, मतलब शुरुआत के अंदर 3 मिनट होती है, शुरुआत की 3 मिनट के अंदर कितनी बार बज गई, 2 बार, लेकिन जो हम ये भाग देते हैं उसमें 1 बार ही जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए 12 बार आया अपना आंसर, तो शुरुआत वाला था उसे और जोड़ दो, अब कितनी बार आया अपना आंसर, 13 बार। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अंदर यदि 12 भी मिले आपको तो आपको आंसर कौन सा टिक करना है, 13 टिक करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको मैंने कुछ ही टॉपिक करवाए थे, एक टॉपिक था बहुपद। ठीक है, बहुपद वाला टॉपिक करवाया था, वो यहाँ पर काम में आएगा, है ना। उधर बहुपद वाला जो टॉपिक आपके जो क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने भाग देना बताया था आपको, बहुपद वाले में जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर मैंने भाग देना बताया था, तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन वाला तरीका नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने बहुपद न पढ़ा हो। इसलिए मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ आपको इसको सोल्व करके, जो आपके सामने क्वेश्चन है, x^8 - 1 और x^4 + 2x^3 - 2x - 1 का मैस क्या है इसे। ठीक है, ऑप्शन से बहुत आसानी से मैंने आपको बार बार बताया है, आपको स्पीड वाले तरीके तब बताया जाएगा जब आप पूरे मेथड सीख लोगे, तब मैं ऑप्शन की सहायता से आपको बहुत फास्ट करना सिखा दूंगा, लेकिन एक बार तो पहले पूरा सीखना आपका जरूरी है, फिर बाद में ऑप्शन वाले तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत स्पीड में करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी ऑप्शन का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुपद आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना जरूरी है, तब ऑप्शन वाला तरीका काम में आएगा, फिर आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अभी देखो x^8 - 1 बीजगणित काम में आएगी इसमें, ये क्वेश्चन अभी मुझे पता है कई लोगों को समझ में नहीं आना, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आना, लेकिन ये क्वेश्चन डालने का बस इतना सा रीजन है कि आप इस क्वेश्चन को देखकर और ध्यान रखना, बहुपद वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, यदि लेसन ऐसे के पूरे क्वेश्चन करना चाहते हो, चाहे ये अभी समझ में ना आए लेकिन आपके माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि एक तो बहुपद वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना है, दूसरा बीजगणित, बहुपद बीजगणित में शामिल है, वैसे बीजगणित को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब जाके लेसन ऐसे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ बस आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, लेसन ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि बीजगणित सिलेबस में नहीं है तो कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, लेसन ऐसा आपके सिलेबस में है तो बीजगणित के कॉन्सेप्ट भी आपके काम में आते हैं, और मैं प्रूव कर रहा हूँ, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ना, बता नहीं रहा हूँ वैसे नॉर्मली मैं अपने मन से, जो एग्जाम में आया है बस वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, अब आप खुद देख सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह से क्या तैयारी करनी है, आपको सभी टॉपिक देखने हैं बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, जब सभी टॉपिक आपके पूरे हो जाए उसके बाद में आपको सिलेबस उठाना है,
पहले मैथ्स के जितने भी कंप्यूटर्स में जो टॉपिक है, जो नॉर्मल टॉपिक है, बीजगणित पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, ये सारे टॉपिक पढ़ने, उसके बाद में सिलेबस उठा के और जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो हमारे पास जब ऐसे बीजगणित के क्वेश्चन भी आ जाए तो इनकी भी हम प्रैक्टिस बहुत जोर शोर से कर सकते हैं, यदि हमारी बीजगणित नॉर्मल भी फटी हुई है तो। और यदि हमने बीजगणित पूरी तरह से छोड़ दिया तो हमें लेसन ऐसे कि ये क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ेंगे। और एग्जामिनर का क्या है, एग्जामिनर ने दे दिया ये क्वेश्चन तो फिर आप लोगों का पूरी मेहनत खराब जाएगी लेसन ऐसे, चाहे आपने अदर क्वेश्चन कितने भी किए हो, ये कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरा नंबर गया। तो देखिए कैसे हल करेंगे, इसका क्या बताना है मैथ्स है तो आपको मैं एक चैप्टर और कराऊंगा, गुणनखंड वाला चैप्टर, ठीक है, गुणनखंड वाले चैप्टर से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभी दिक्कत आएगी आपको क्योंकि सभी का गुणनखंड किया हुआ नहीं है। तो एक्स की घात आठ के मैं टुकड़े कर लेता हूँ, एक्स की घात आठ के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं चार दुनी आठ, ठीक है, चार दुनी आठ ऐसे बोल सकते हैं, और माइनस एक के ऊपर दो घात होती है, इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं। तो इसे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आपको पता लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, ये वाला होता है। तो एक बार प्लस कर देता हूँ मैं, एक्स की घात चार प्लस एक, और एक बार माइनस कर लेता हूँ, एक्स की घात चार माइनस एक। इसमें और आगे हल कर सकता हूँ, आगे हल करके देखता हूँ तो देखो क्या आएगा, एक्स की घात चार मतलब ये, इसे मैं टुकड़ा कर सकता हूँ, ये तो प्लस वाला आ गया, प्लस वाले का फॉर्मूला हमारे को पता है नहीं, इसे छोड़ दो इसे कैसे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की घात दो की घात दो माइनस एक की घात दो, देखो वापस से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस एक बार माइनस फिर से लिख दीजिए। तो एक्स की घात चार प्लस एक, और ये हो गया एक्स की घात दो प्लस एक, और एक्स की घात दो माइनस एक, फिर से फॉर्मूला बन गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वापस से क्या करोगे आप, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक, ऐसे लिख सकते हो। एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, इतने सारे टुकड़े आपके पास इकट्ठे हो गए। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसे हल करते हैं, वापस बोल रहा हूँ समझ में कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना माइंड में सेट कर लेना, जब भी गुणनखंड वाला चैप्टर चले, बीजगणित वाला चैप्टर चले, तब बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस टॉपिक के लिए, लेसन ऐसे के लिए भी, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, लेसन ऐसे के लिए भी आपको जोरदार तरीके से पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, मैंने एक डाला है, बाकी बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके टुकड़े करते हैं, एक्स की घात चार, इसे देखोगे ना आप, इसे तो हल करने लायक कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बार देखिए, एक्स की घात चार और ये एक है, एक्स की घात चार और एक है, ठीक है, इनको आप पास पास में ले लीजिए, एक्स की घात चार माइनस एक ले लीजिए, और प्लस आगे हो गया दो एक्स की घात तीन माइनस दो एक्स, ये बच गया। अब आप ऐसे करिए, इधर आपको पता लग रहा होगा कि इन दोनों को हम कैसे हल कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस वाले तरीके से, क्योंकि चार को मैं क्या बोल सकता हूँ, दो की घात दो, ठीक है, जैसे इधर हल किया था वैसे कर सकता हूँ। तो इधर हम क्या करेंगे, एक्स की घात दो प्लस एक, एक्स की घात दो माइनस एक, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ आपको पता है, इसको भी लिख सकता हूँ, या फिर अभी आगे बाद में कर लेंगे, पहले इधर देख लो, अब इधर क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, तो इधर मैं 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2x कॉमन लिया तो x की घात बच गया 2 और माइनस 1 बच गया, ठीक है, दो टुकड़े ये रहे, दो टुकड़े ये रहे। इन दोनों में आपको पता लग रहा है कि देखो एक गुणा का टुकड़ा यह है, एक गुणा का टुकड़ा यह है, दोनों क्या रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो आप कॉमन ले लीजिए, एक्स की घात दो माइनस एक कॉमन आ गया, और अब अंदर क्या क्या बचा, एक्स की घात दो प्लस एक और प्लस दो एक्स, ये अंदर बच गया, ठीक है। अब यहां पर यह गुणा का चिन्ह है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वो देखो टुकड़ा करना चाहो तो इसका भी हो जाए, तो इसका भी कर लेंगे अपन, करके देख लेंगे, देखे होता है कि नहीं होता, तो इसका तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस एक एक्स माइनस एक, ये लिख सकते हैं। और अब इसका भी टुकड़ा करके देख लेते हैं, द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक, इसको गुणा कर दिया। अब इसको दो एक्स है ना, यहाँ पर दो एक्स के ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर तो एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर दो एक्स आए, तो आपको टुकड़ा मिल गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ गया x प्लस एक, यहाँ पर प्लस एक कॉमन आ गया x प्लस एक, ये आ गया,
हमारे पास टुकड़ा कौन सा आया, x प्लस एक भी आ गया, x प्लस एक, एक ही टुकड़ा प्राप्त हुआ है, इसका एक ही गुणनखंड है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस एक। ये देखो इसका द्विघात समीकरण का टुकड़ा है x प्लस एक, और दूसरा भी x प्लस एक ही आया था, ठीक है। तो चाहे एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो, तो x प्लस एक लिख लिया आपने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर टुकड़े हैं, मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, यदि ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक ही आप पर है, अभी इसका क्या बताना है, मैस है, और मैस से मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन। तो कॉमन देखिए, देखो यहाँ पर x की घात 4 प्लस 1 है, इधर x की घात 4 प्लस 1 नहीं है, हट गया। x की घात 2 प्लस 1 है, x की घात 2 प्लस 1 नहीं है, हट गया। x प्लस 1 इधर है, x प्लस 1 हाँ बहुत बार है, तो x प्लस 1 और इसमें तीन बार आया, लेकिन मुझे लेना है सबसे बड़ा कॉमन, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। एक बार ही आएगा क्योंकि इसमें एक बार, इसमें तीन बार है, तो कॉमन तो एक बार ही हुआ ना, और इसमें x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ये आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा आपको, तो इसे और आगे हल करेंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस को क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, अब चाहे स्क्वायर करो चाहे मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप करना चाहो तो यहाँ पर स्पीड के अंदर भी कर सकते थे, यही पे स्टेप ये जो आपकी आई थी, इसे आप आगे हल न करते तो आपको डायरेक्ट कॉमन ये नजर आ जाता और ये इसे आपका आंसर आ सकता था, लेकिन मैंने पूरा इसे सोल्व करके बता दिया है, आपको समझ में न भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आगे, जो भी आपके बीज गणित के क्वेश्चन आते हैं, तो उन बीज गणित के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, अपने टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए भी, ठीक है। इस टॉपिक के लिए भी आपको बीज गणित को, गुणनखंड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि मैं करवा दूंगा, पूरा कंटेंट अपने पास तैयार है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन के ऊपर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में प्रत्येक से विभाजित होती है कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से विभाजित होती है कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन की टेंशन मत करना, यदि ना आया हो तो, जिन लोगों का मैथ का बेस बहुत वीक है उनको नहीं आया होगा ना। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से विभाजित होती है कौन सी है। ओके, मैं करके बताता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो किस किस से 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित होती है, बस तरीका वही है, सबसे छोटी है तो क्या निकलेगा, लेस है, और भाग किस किस का देना है, 16 का, 20 का और 24 का, ठीक है। इनसे पूरा पूरा भाग जाए, इनसे पूरा पूरा भाग किस में जाता है, लेस में जाता है, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। इनका एलसीएम निकालोगे 8 आ गया, 10 आ गया, 12 और फिर 4, फिर 5 और 6 और फिर 2, फिर 5 और 3, 2 एकम 2, 5 और 3, 3 एकम 3 और आगे 5, और बस अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 5 3 15 30 60 120 240 240 आ गया। लेकिन शर्त क्या बोला है, 240 तो आ गया, इन सबका पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो क्या 240 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है पूर्ण वर्ग, ये वर्गमूल घनमूल मैंने बता दिया। तो देखो ऑप्शन देख लीजिए, 2600, 3600, 4600, 5600। एक चीज बता दूं, ऑप्शन मैंने इस तरह से लिखे हुए इसमें कि आपको यदि पूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग का पता होगा तो देखिए एक सेकंड में आंसर आएगा आपको, क्यों, इन 2600 में, 3600 में, 4600 में, 5600 में पूर्ण वर्ग संख्या है ही एक ही, कौन सी है, 3600, तो 3600 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये ऑप्शन लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई है एग्जाम के अंदर, क्या ना, ऑप्शन मैंने अलग डाल दिए, जो एग्जाम में पूछा गया था शायद वो ऑप्शन नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं थी, ये मेरे मन से मैंने डाल दिया अलग अलग। सही आंसर 3600 है, लेकिन जो बाकी तीन संख्याएं मिलेंगी ना वो भी आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेगी एग्जाम में। तो तरीका देख लेना, आप 240 को बढ़ाते रहना, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले करके बताया था ना, क्वेश्चन ऑप्शन के पास पहुंचना था, वैसे 240 को ऑप्शन तक पहुंचाओ, 084, फिर 480 में फिर 480 जोड़ दो, ऑप्शन तक पहुंचना था, ठीक है, 8 8 16 4 4 8 1 9, फिर 960 जोड़ ऑप्शन तक पहुंचने के लिए, 0 2 9 18 1920 हो गया, फिर बाद में इसमें 960 और जोड़ लो ऑप्शन, तो मान लो 3600 है, 3000 मान लो, 3000 के पास में पहुंचना है, 0 6 2 8 और 9 9 18 और आगे कितना आ गया, 2 2880। ध्यान रखना, मैं ऐसे कर करके बता रहा हूँ आपको, जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ, तो आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, इसको ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि 3000 के पास में पहुंच जाए, 10 से गुणा करोगे कितना आ गया, 2400, देखो बड़ा आसान हो गया,
और अब 2400 है तो उसमें 240 जोड़ दो या 480 जोड़ दो, 0, 8, 8 देख लो 2880 तक पहुंच गया। फिर आप 480 जोड़ दीजिए इसका दुगुना, ठीक है, ऐसे दुगुना वगैरह जोड़ोगे तो पूरा पूरा भाग जाता रहेगा, इन सब का पूरा पूरा भाग जाता रहेगा यहाँ पर, 0, 8, 8, 16, 8, 4, 12, 1, 13 और 3360 आ गया, ठीक है। अब 3360 आ गया, मान लो अब 3000 वाली लाइन आपके ऑप्शन में है, तो अब आप 240 जोड़ दीजिए, आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। ये देखो 3600 आपका ऑप्शन आ गया, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, वैसे ऑप्शन से तो बहुत आसानी से करवा दूंगा मैं आपको, जो ऑप्शन वाला तरीका में अप्लाई करेंगे ना, तब अपन बोलेंगे कि 2 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, उस टाइम के अंदर अपन ये चीज बोलना स्टार्ट करेंगे। अभी तो आप आराम से धीरे धीरे सीखते रहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का और आपके इस टॉपिक का, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 रहते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 रहते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सभी लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, और अलग तरह का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब तक हमने पढ़ा, याद करना, 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इनका भाग देने पर शेषफल समान बचे। अब तक तो ये बोल रहा था मैं शेषफल समान बचे, शेषफल समान बचे में क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटा रहे थे और फिर मैं से निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शेषफल समान नहीं बच रहा, यहाँ पर एक में 6 बच रहा है और एक में 5 बच रहा है, और सबसे बड़ी बड़ी संख्या बतानी है, मतलब क्या निकालना है, मैस है, बड़ी संख्या मतलब क्या निकालोगे, मैस है। तो 1657 हो गई एक संख्या, तो एक संख्या हो गई, 2037 हो गई, ये तो पता है कि मैसे निकलेगा, लेकिन इनका मैसे मत निकालना, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है, 6 और 5। तो आप ऐसे कर देना, इसमें से 6 घटा दो और इसमें से क्या घटा दो, 5, तो हमारे पास क्या बच गया देख लो आप, 1651 बच गया, और इधर 5 घटाओगे तो 2032 बच गए, ये 2 संख्या आ गई। जो भी शेषफल बोले ना उनको घटा के और फिर इनका मैसे निकालना अपने को। अब इनका मैसे निकालने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि सर किसका भाग जा रहा है, अंदाजा नहीं लग रहा, बड़ी संख्या आ गई। जब आपको अंदाजा न लगे तो मैंने तरीका बताया था, तरीका कौन सा बताया था, 2032 बड़ी संख्या है, 1651 छोटी संख्या है, भाग दे दीजिए। मैसे निकालने का ऐसा तरीका बताया था टाइप नंबर 2 में, याद होना चाहिए, तभी तो बोल रहा हूँ कि यदि आपको अभी कुछ चीज़ें कम समझ में आती है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 टाइप को ढंग से हल करना, दोबारा से 2 दिन का टाइम मिले उसमें, और फिर वापस से इन वीडियोज में आ जाना, फिर देखना आपको दुगना समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1651 हो गया, अब देखो कितना बचा, 1 बच गया, और यहाँ पर 13 में से कितना घटाएंगे अपन, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बच गया, यहाँ पर 9 में 6 गया तो 3 बच गया, ठीक है, 381 बच गया अपने पास। फिर 381 का भाग देंगे 1651 में, जो यहाँ पर होता है ना उसे यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है। अभी यहाँ पर मतलब 400 के लगभग है, तो 4 से गुणा करेंगे 1600 के पास पहुँच जाएंगे, तो 381 को 4 या 5 से गुणा करके देख लो, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 5 15 4 19, ये ज़्यादा चला गया, तो 4 से गुणा करने पर 1600 के पास पहुँच रहा था, तो 4 से गुणा करके देख लो, ठीक है भाई। 381 का फाड़ा तो याद होगा नहीं, तो ऐसे अंदाजा लगा लगा गुणा करना पड़ेगा आपको, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 4 3 12, 12 3 कितना हुआ, 1524, ठीक है, घटा लो। 11 में 4 गया तो कितना आया, 7, 4 में 2 गया तो कितना आया, 2, और यहाँ पर कितना है, 6, 6 में 5 गया तो कितना आया, 1, 127 आ गया, ठीक है। अब 127 के आगे देखिए, अब यहाँ पर कौन आएगा, 381, अब 381 में 127 का भाग देंगे, भाग देखो कितने बार जाएगा, अब भाग चला जाएगा 3 बार, 7 या 21, 3 2 6 2 8, 3 एकम 3, 381 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, और जहाँ पर पूरा पूरा भाग जाता है मैंने क्या बताया था, वही आपका क्या हो जाता है, मैस है। तो आपका मैसा आपको कितना मिल गया, 127, मतलब 1651 और 2032 का मैसा कितना आएगा, 127 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास यही पे समाप्त होती है। अगला टॉपिक चलेगा प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्रण, इन टॉपिक को टारगेट किया जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे जो मैं अब करवाने वाला हूँ। उसके बाद में आपका टॉपिक चलेगा औसत और आयु, ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर 2 दिन बाद के अंदर, ठीक है। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सभी क्वेश्चन की जो भी दिक्कत आए आप मैसेज छोड़ सकते हो, जो भी मैंने बोर्ड पर नहीं करवाया उन क्वेश्चन की प्रॉब्लम आप मैसेज छोड़ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर, कि बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपको बताने की कोशिश की जाएगी।
मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर जरूर कर देना।